जिंदगी में सुख दुख तो लगा रहता है, लेकिन दुख के समय में कई लोग बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई का और अच्छे मार्क्स लाने का काफी टेंशन रहता है। कई बार तो पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं और काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करना और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कायम करना ही आज के इस वीडियो का लक्ष्य है। स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मोटिवेशन जो उनके सोए दिल दिमाग को खोल के रख देगी। शुरुआत एक शानदार वाक्य से कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट के टॉप करने पर यह सोचते हैं कि उन्होंने यह सफलता रातों रात हासिल की है या उसकी अच्छी किस्मत होने के कारण उसने यह मुकाम हासिल किया, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऊंचा मुकाम किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन जरूर मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से सफलता का एक सूत्र बताया है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना होगा, तभी वे अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के समय ही पढ़ाई करते हैं और पूरे साल फुल मौज मस्ती में रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स पास तो कर जाते हैं लेकिन लाइफ में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, वो ही क्लास में टॉप करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं लेकिन फेल हो जाने के डर से पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं, तो उनका ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि किसी काम को करने के लिए कोशिश करना और उसमें विश्वास रखने की जरूरत होती है। लगातार और अथक प्रयास से सब मुमकिन है। हर किसी के पास अपना एक अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में या डांस या कोई और फील्ड में आगे होता है। ये जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% मार्क्स लाओ तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने अंदर के काबिलियत को समझो और सही दिशा में आगे बढ़ो। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रयास नहीं करना चाहते और अपना समय गवा देते हैं, जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं कहीं और होता। इसलिए जिस काम के बारे में सोचो उसमें जी जान लगाकर प्रयास करो, क्योंकि टाइम निकलने में भी टाइम नहीं लगता और अंत में काश शब्द के सिवाय और कुछ नहीं बचता और प्रयत्न ना करने का जिंदगी भर अफसोस होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले ही कुछ स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला और फिर उसके लिए तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब तक किसी काम को पूरी निष्ठा से नहीं किया जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। हम सभी को अभी अपने पढ़ाई के लिए लॉयल रहना होगा और एक सच्चे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर पाएंगे। ना कभी भूतकाल के बारे में सोचो और ना ही भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। धन्यवाद।